हेलो प्लस टू। हाँ जी बेटे, आज का मेरा थॉट है, थॉट नहीं है, एक शेयर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बेटा, अपने आप नू इन्ना क हौसला दो, अपने आप नू इन्ना क बुलंद कर लो कि परमात्मा जिहड़ा तुहाडे अंदर वसदा है ना, वह जाग जाए, है ना। बाहर रब मनाने की कोशिश ना करो, रब तुहाडे अंदर है, अपने आप नू बुलंद करो, ठीक है। अपने आप दे अंदर जिहड़ा खुदा है उन्हों पहचानो, तुसी सारे सब कुछ कर सकते हो। मैं हमेशा यह गल कहनी है कि देखो, कंप्यूटर इंसान ने बनाया है ना, ये जिहड़े मोबाइलों ते तुसी लैक्चर सुन रहे हो, मोबाइल इंसान ने बनाए है, बनाया ना बेटा। सो असी तां उस परमात्मा दे बनाए हुए हैं, है ना। सोचो साडे विच किन्नी टेंडेंसी है, किन्नी कैपेसिटी है। अपने आप नू कदे भी किसी बच्चे ने एवें नहीं सोचना कि मेरे कोलो नहीं होना, फिर तो तुसी उस परमात्मा की तोहीन करते हो, है ना बेटे। सो सारे बच्चों ने यह मान के चलना है कि तुसी बहुत इंटेलिजेंट हो, तुसी बेस्ट हो बेटे। हर एक बच्चा अपने आप के विच बेस्ट है, किसी च कोई क्वालिटी है, किसी च कोई क्वालिटी है, है ना। लेकिन जिहड़ी पढ़ाई वाली स्किल होंदी है ना, इस सारियां विच ही होंदी है। जिन्ना इस दिमाग नू यूज़ करूँगे, उन्ने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंदे जाऊँगे। आजमा के देख लो बेटे, ठीक है। चलो आज असी अपना अगला टॉपिक शुरू कर दें बेटा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन दे केस बेटे, रे ने एक मीडियम तो दूजे मीडियम च जाना है, है ना। जदों असी किसी रे नू एक मीडियम तो दूजे मीडियम च लैके जाने हैं, तो की होएगा? बेंडिंग तो होएगी लाइट की, रिफ्लैक्शन तो उस मीडियम च वापस आ जाती सी। हुण उस रे ने दूसरे मीडियम च एंटर करना है, तो बेंड होएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो सारे मेरे बच्चे लिख लो कॉपीज ते, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है बेटा। हुण एदे विच जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां गल्लां याद रखण वालियां ने, पहला मैं अपने बच्चों नू उही टॉपिक वाइज ही दसांगी। तुहाडे कोल नोट्स हैगे ने बेटा, जिन्हां कोल नहीं है मैं लिंक दे विच इत्थे नीचे कमेंट बॉक्स पा दांगी अज वाले लैक्चर दे नोट्स जिहड़े है, तुसीं कॉपी कर सकदे हो, ठीक है बेटा। सब तो पहलां तां इहदी डेफिनेशन हो गई, उस तो बाद है बेटा इहदे लॉज़ की है। जिहड़ियां तुसीं असाइनमेंट्स कर रहे हो ना राजे, तुसीं देख रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन नोट्स तो बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट्स के बिचों ही आ रहे हैं। सो क्यों ना असीं थोड़े जे नोट्स है इन्हां नूं दिमाग दे विच इन्नी चंगी तरह बसा लईए कि इन्हां दे हर रिलेशन तो निकलण वाले क्वेश्चन सानूं आंदे हो, ठीक है ना बेटा। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिहड़े तुसीं पहली वीडियो च कीते सी, वो लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन सी, है ना। अज असीं रिफ्रैक्शन दे करने हैं। फस्ट लॉ बेटा सेम है, वही लॉ है, जे तुहाडे कोल दो मीडियम ने, ठीक है, नॉर्मल है, आ इंसीडेंट रे है, रिफ्लैक्टेड रे जिहड़ी है वो हुण रिफ्रैक्टेड रे लिखांगे असीं, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये की है इंसीडेंट रे। क्लियर बेटा? आ तो तुहानूं पता ही है नॉर्मल है। सो पहला लॉ की है, इंसीडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन वन प्लेन, ठीक है ना। उहदे च भी सेम ही सी, उहदे च असीं लिखते सी रिफ्लैक्टेड रे, है ना, इत्थे रिफ्रैक्टेड आ गया, बस यही फर्क है। दूसरा लॉ मेरे राजे फिलहाल लिख लो, मैं बाद विच समझानी है तुहानूं की है। दूसरा लॉ है, उहनूं असीं स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तुसी बार बार सुनोगे रिफ्रैक्शन दे विच, असी यूज़ भी बार बार करांगे स्नेल्स लॉ नू, वेरी इंपोर्टेंट है। ए लॉ की कहिंदा है, जदों रे किसे एक मीडियम तो दूसरे मीडियम दे विच एंटर करती है, तो उहदी बेंडिंग हुंदी है। जिहड़े उहने एंगल बनाए हुए ने, एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, उहनां दा की रिलेशन है, उन्हों का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के नाल। वो लॉ कहता है कि म्यू वन जेडे मीडियम, म्यू वन अगर ये वाला मीडियम लीए, तो ये एंगल है आई इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये बेटा स्नेल का लॉ है, ठीक है। जे तुसी इनू इन टर्म्स ऑफ रेशो लिखना चाहते हो, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिखूंगे। कोई भी मेरा राजा बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि म्यू वन अपॉन म्यू टू लिखना है तो आई अपॉन आर लिखना है। नहीं बेटा, मैं अगे तुहानू समझानी है किस तरह लिखने हैं। देखो आई इधर है लेकिन म्यू टू उपर है, आर नीचे है लेकिन म्यू वन जिहड़ा है वो नीचे है,
ठीक है ना, एक लॉजिक है, ये नहीं कि जेड़ा मर्जी म्यू जिथे मर्जी लिख ली है ना, लॉजिक समझिए। हूँ उस तो पहला तो थोड़ा जहा इस बारे दसना, ये बारे नॉलेज दे दा थोड़ी जी, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की होंगे है ना बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिदा थोड़ी सारिया की एक क्वालिटी है ना, पता चल जाता कि बच्चा इंटैलीजेंट क्लास जाके आप देखते हैं, नंबर देखते हैं बच्चों के टेंथ में किन्ने ने है ना, असं वो बेस से एक आइडिया लगा लें बच्चा इंटैलीजेंट है। इस तरह बेटे हर एक मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है, वो तो सानू पता लग जाता कि मीडियम किन्ना कि डेंसर है, ठीक है ना। डेंसर समझते हो, डेंसर मतलब क्राउडेड, अपने दिमाग च लै लो जिते बड़ा भीड़ भड़का है ना। सो पहला असं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की जी गल करिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की है मेरे राजे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये रेशो है बेटा विलोसिटीज़ दी, सी अपॉन वी, इट इज़ द रेशो ऑफ विलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू विलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है ना। हुण तुहानू सारिया नू पता है विलोसिटी ऑफ लाइट इस टाइम साडियां जिन्नियां भी नॉन विलोसिटीज़ है सब तो ज़्यादा है ना। सो सी जिहड़ी है, जे ये वी तो हमेशा वड्डी ही रहे तो म्यू जिहड़ा है वो एक तो ज़्यादा ही आना चाहिए हर बार। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू, ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इस करके तुहानू दस रही हाँ ताकि जो पैस होना है ना तुहाडा, भी तुहानू पता है दसवीं तक का चल रहा है ना पंजाब अचीवमेंट सर्वे, सो अपना भी होएगा बेटा, प्लस वन टू का भी होएगा, उहदे लई की है तुहानू बेसिक क्लीयर होने चाहिए है ना, तो ही आंसर दोगे तुसी। लॉकडाउन तो खत्म हो जाना है, टीम्स आनगियां स्कूलों के, फिर तुहानू पुछणगियां, हो सकदा उहदे बेस ते तुहानू कितें प्लेसमेंट भी मिल जाए है ना, तुहानू किसी अच्छी जगह पर एडमिशन मिल जाए प्लस टू तो बाद जे तुहाडे बेसिक्स क्लीयर है। सो सारे मेरे बच्चों ने बहुत ध्यान नाल कॉपी पर लिखना है, हर एक क्वेश्चन नू, हर एक लाइन नू अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। म्यू जिहड़ा है वो एक तो वड्डा ही होएगा, सब तो जिहड़ा घट म्यू है वो एयर का है, क्योंकि एयर दे विच वेलोसिटी जिहड़ी है रे दी वो सी दे बराबर हो जानी है। सो जिहड़ा म्यू एयर का होएगा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दैट इज़ वन, ठीक है। मैं तीन चार लिखांगी जिहड़े आपां यूज करने हैं, जे असी वाटर की गल करिए वो होंगे 1.33, जे असी ग्लास की गल करिए वो होंगे 1.5। इस तरह बेटे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा वो बढ़ता जाता है। जिहड़ा तुहाडा सब तो घट होएगा, मतलब जे मान लो असी दो मीडियम्स नू कंपेयर कर रहे हैं, असी रे नू एयर तो वाटर च लैके जाना है, तो सानू ये पता होना चाहिए इन्हां चो डेंसर मीडियम केड़ा है, जिहदे नंबर ज़्यादा वो डेंसर है ना, उहदे दिमाग च ज़्यादा क्राउड है, उहनू ज़्यादा कुछ आंदा है, ठीक है ना बेटा। जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा, वो ज़्यादा क्राउडिड, ज़्यादा डेंसर, ज़्यादा पारा है ना, ज़्यादा नॉलेज है उसनू। सो इन्हां दोनों विचों डेंसर वाटर है। जे वाटर ते ग्लास की गल करिए फिर डेंसर कौन है, शाबाश मेरे बच्चे, हुण तुसीं मैनू लिख के दसोंगे कमेंट बॉक्स के विच इन्हां दोनों चो डेंसर कौन है, ठीक है बेटा। हुण असी ये करांगे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, म्यू इज इक्वल टू, ये तो तुहानू पता चल गया डेंसर है रेयर है। हुण मैं तुहानू दसांगी बैंडिंग ऑफ लाइट किस तरह होंगी है, बैंडिंग रिफ्रैक्शन दे ड्यूरिंग किस तरह होनी है। जे तो बेटा रे जिहड़ी है वो रेयर मीडियम तो रेयर, जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट है, डेंसर जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा है, मीडियम कोई भी हो सकता है, ये तो डेंसर रेयर आप नाम रखते जिदा ए प्लस ग्रेड च आ गया, कोई ए ग्रेड च आ गया है ना। सो आडे को हो गया नॉर्मल, ठीक है बेटा। मान लो रे जिहड़ी है वो रेयर मीडियम तो डेंसर च जा रही है हूँ है ना, सो जानी तो इदा सी जे कोई मीडियम ना होंदा, लेकिन इस केस च बेंडिंग किधर नू होएगी बेटा, क्योंकि क्राउडेड एरिए जा रही है ना, सो इन्हें नॉर्मल वल नू झुक जाना है, फ्री नहीं रही बेचारी है ना, रश वाले एरिए आ गई सो झुक गई, ठीक है। ये जिहड़ी झुकी हुई रे मीनस ये जिहड़ा आर है वो आई नालों छोटा होएगा, आई नालों छोटा होएगा, क्लियर है बेटा। हुण जदों असी गल करनी है डेंसर टू रेयर लैके जाना है, जे आप रे नूं इत्थे बनानी आ मैं, हुण रे जिहड़ी है वो डेंसर तो रेयर वल जा रही है, इत्थों आई जानी तो इस तरह चाहिए सी। हुण की होना है बेटा, जदों रेयर वल जाते हैं मतलब असी तंग जगह पर हाँ, असी खुले आसमान च उड़न लगे है ना, असी आ तो बच्चे बेचारे अपने दिमाग जड़े भरी बैठे से बहुत कुछ, हुण उन्हां नूं छड्ड के ये रे जा रही है अगे, इन्हें
पर ही मुड़ जाना है, नॉर्मल तो अवे हो जाना है, ठीक है। आज़ाद हो गए, जिथे मर्जी जाओ असी नॉर्मल की गल नहीं सुननी, इधर चले गए। ये बन गया राजे आर, ए है आई। इस केस दे विच आर हमेशा आई तो बड़ा होएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हुण जे तुहानू कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई बेसिक जिहा क्वेश्चन है कि किसी फिनोमिना दे विच रिफ्रैक्शन दे विच एंगल आई दिता है, एंगल आर दिता है, और कुछ भी नहीं गिवन, तो की तुसी दस सकोगे कि रे जिहड़ी है किहड़े मीडियम चो किहड़े मीडियम च जा रही है? दस सकते हो ना बेटा, तुसी आ रिलेशन देख लेने, आर वड्डा है कि छोटा है? जे तो आर छोटा है फिर तो यदा मतलब वो डेंसर मीडियम च गई है, छोटी हो गई वो वैल्यू। जे आर आज़ादी पाल गया, वड्डा हो गया, फिर यदा मतलब डेंसर तो रेरर दे विच गई है, ठीक है मेरे बच्चे। इस चीज़ में अच्छी तरह याद रखियो। उस तो बाद है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, रेरर डेंसर मीडियम हो गए, हुण असी गल करांगे स्नेल्स लॉ दी। स्नेल्स लॉ जिहड़ा मैं तुहानूं कहा सी अच्छी तरह याद, उहनूं किस तरह करना है, हुण तुहानूं रेरर डेंसर बारे पता चल गया ना बेटा, स्टेटमेंट उही लिखनी है। बस स्नेल्स लॉ जिहड़ा है वह मैं बार बार इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि साढ़े सारे आर्टिकल्स दे विच स्नेल्स लॉ यूज़ होएगा बेटा, ठीक है। जिहड़ा स्नेल्स लॉ है, मैं पहला एक वीडियो पाई भी सी शायद दी, मेरे जिहड़े अपने बच्चे स्कूल दे ने उन्होंने देखी भी होएगी, तो हुण क्योंकि आप कॉन्टीन्यूटी कर रहे हैं है ना, तो उस तो बाद रिविजन शुरू हो गई सी, हुण कॉन्टीन्यूटी कर रहे हैं, सो मैं दोबारा दसन लगी हूँ थोनू। जिहड़ा स्नेल्स लॉ है उहदे विच रे मान लो रेरर तो डेंसर च जा रही है, ठीक है बेटा, ए वाला एंगल आई है, ए वाला एंगल आर है, ओके। हुण जे तां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स रेरर दा, आ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स डेंसर दा, इत्थे तुसीं जदों स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तुसीं की लिखना है, म्यू वन इंटू साइन आई, क्योंकि इस मीडियम दे विच एंगल आई बनया है, इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। क्लीयर है बेटा? इनू तुसीं म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हो। हुण तुसीं पुछोगे कि मैम बुक्स दे विच सिर्फ म्यू क्यों लिखा हुंदा है? क्योंकि बेटा असीं मैक्सीमम टाइम्स इनू एयर लै लैंदे हां, जिहड़ा एक मीडियम है ना उन्हों एयर लै लैंदे, जदों तुसीं प्रैक्टिकल भी कर रहे हुंदे हो तो असीं ग्लास स्लैब यूज़ करते, दूसरा मीडियम कोई नहीं यूज़ करते है ना, वो दूसरा मीडियम एयर हुंदा है, इस करके सो एयर दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वन हुंदा है, ते जिहड़ी दूसरी चीज़ बची उहनूं असीं म्यू टू क्यों लिखांगे, असीं कल्ला म्यू लिख लैंदे हां, ठीक है बेटे, फिर वो म्यू अपॉन वन करके इहनूं म्यू यूज़ कर लेंगे। उस तो बाद यहाँ किते किते इनू टू म्यू वन भी लिखा होंगे, उदा मतलब यही है कि म्यू वन नीचे है तो म्यू टू की रेशो है, ठीक है, ये तुसी याद कर लेना है। हुण देखो बेटा जे मैं उल्टा करवा दा है प्रोसेस, मैं रे इधरों लेके जा रही हूँ, आर है, आई है, ठीक है, ये हुण म्यू टू है, ये म्यू वन है। हुण मेरे राजे किस तरह लगाऊंगे स्नेल्स लॉ? म्यू वन दे नाल किनू मल्टीप्लाई करांगे? साइन आर नू, क्योंकि रेरर वाले पासे आर बनया होया है। म्यू टू नू किहदे नाल मल्टीप्लाई करूंगे? साइन आई नू। सो इस केस दे विच म्यू वन अपॉन म्यू टू जिहड़ा है ओ साइन आई अपॉन साइन आर बनेगा, ठीक है। इस करके स्नेल्स लॉ नू किसी ने रट्टा नहीं लगाना, साइन आई अपॉन साइन आर तुसी सेम रखते हो, लेकिन इधर जिहड़ी चेंज हो रही है ना वो डिपेंड कर रही है बेटा कि रे डेंसर तो रेरर च जा रही है जां रेरर तो डेंसर जा रही है, ठीक है बेटा। सो इस जिहड़े सारे छोटे छोटियां गल्लां ने इंपोर्टेंट जिहियां, इन्हां नूं अपने दिमाग च बिठा लो। नोट्स मैं लिंक दे विच तुहाडे यूट्यूब दे कमेंट बॉक्स दे विच पा दांगी, मेरे बच्चों नूं जिन्हां नूं जरूरत है सारे बच्चे उत्थों नोट कर लियो, ठीक है बेटा। किसी नूं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तुसी कमेंट करके मैनूं दस भी सकते, ठीक है राजे। चलो इस तो बाद नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहानूं सेंड करांगी दी एप्लीकेशनस। हुण जिहड़ा तुहाडा रिफ्रैक्शन है ना, इहदी एप्लीकेशनस किस तरह दीआं ने, जिद्दां कि कॉइन है कोई आपां ग्लास च पाया उपर उठ गया, पहला तुसी इदा तुसी पढ़िया सी दसवीं तक कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो कॉइन उपर उठ गया है ना, लेकिन वो जिहड़ा कॉइन किन्ना उपर उठिया है ना, उहदी शिफ्ट किन्नी हो गई, वो चीज़ आपां डिराइव करांगे, वो असी हुण करांगे। इसे तरह मेरे राजे असी डिराइव करांगे लेटरल शिफ्ट,
ਜਦੋਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨਾਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।